हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांजलि और आज है 21 नवंबर 2019 और आप देख सकते हैं मेरा एडेनियम का प्लान जो बहुत सारी कलियों से भर गया है। देखिए, काफ़ी टाइम से मैं इस पे वीडियो बनाना चाहती थी और ये आज बना लिया है। और इस पे फूल आने का एक उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने इस पे जो किया है वो ये है कि मैंने इसे सबसे पहले छाँव से उठाकर धूप में ला दिया। इसे जब से मैंने धूप में लाया है, कुछ पत्तियाँ इसकी गिर गई है, जो लीव्स आप देख सकते हैं ये थोड़ी कम हो गई है, बट इस पे बहुत सारी कलियाँ आ गई है। और ये कलियाँ मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी करके बड़ी हो रही है और इस अभी कुछ दिन में ये खिल जाएगी। सेकेंड चीज़ मैंने की है कि मैंने इसमें जो नीम खली और सरसों खली है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद 5 से 6 दिन बाद मैंने इसमें कंपोस्ट डाल दिया और यही रेगुलर कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, जैसे कि बनाना पिल फर्टिलाइज़र है या फिर बेकिंग सोडा स्प्रे कर दिया। 2-3 दिन के बाद कुछ ना कुछ इस पर करती रहती हूँ, सभी प्लांट्स पे करती रहती हूँ, लेकिन ये अभी बहुत ही ब्लूम कर रहा है। तो आपने इसका सीक्रेट अभी जान लिया है। अगर आप भी फूल चाहते हैं तो अभी यही टाइम है, इसके ऊपर आप कीट ना लगे इसलिए नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, बेकिंग सोडा का स्प्रे कर दीजिए एंड आप इस पर जितना हो सके लिक्विड फर्टिलाइजर्स ऐड कीजिए ताकि आपको बहुत ही जल्दी ये सारा ब्लूम देखने को मिल जाए। Thank you. Bye bye.